हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बनाएंगे हेल्दी और टेस्टी पालक की मज़ेदार रेसिपी। इसके लिए यहाँ मैंने आधा किलो या 500 ग्राम पालक के ताजे पत्ते ली हूँ। यहाँ मैंने पालक को अच्छे से साफ करके इसे एक से दो बार पानी में अच्छी तरह वॉश कर लिया है। और अब हम इसे साइड रखेंगे। और यहाँ मैंने दो आलू को अच्छी तरह छील लिया था। हम इसे इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने आलू को दो अलग तरीके से कट किया है, लेकिन इसके साइज बिल्कुल एक ही है। आपको जैसा इजी लगे आप उस तरीके से इसे कट कर सकते हैं। और अब हम इसे पानी में डाल देंगे, जिससे आलू हमारे काले नहीं होंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने दोनों आलू को अच्छे से काट लिया है। और अब हम पालक के पत्तियाँ लेंगे। पालक की पत्तियाँ लेकर के हम इसे बीच से इस तरीके से कट कर लेंगे और इसे फोल्ड करके एक साइड में कर लेंगे। और अब हम इसके बड़े बड़े टुकड़े काट लेंगे। आप इसके बारीक या बड़े, जैसा आपको इजी लगे आप टुकड़ों में काट सकते हैं, क्योंकि हमें पालक जब हम इसे पकाएंगे तो ये इजीली गल जाएगा। और ये देखिए, यहाँ मैंने सारे पालक के पत्तियों को कट कर प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। और अब हम एक मीडियम साइज का प्याज लेंगे। प्याज को यहाँ मैंने पहले ही छील दिया था। और अब हम इसे इस तरीके से पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेंगे। और अब हम इसे दूसरी तरफ से भी सेम तरीके से पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ हमने प्याज को बहुत ही बारीक और महीन कट कर लिया है। तरीके से भी बारीक प्याज को काट सकते हैं। और चलिए, अब हम एक कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को गर्म होने देंगे। और ये देखिए, कढ़ाई गर्म हो गया है। हम इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। यहाँ मैंने सरसों का तेल का यूज़ किया है, आप इसकी जगह ऑलिव ऑयल या घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे और जीरे को तेल में अच्छी तरह क्रैक होने देंगे। और ये देखिए, जीरा हमारा अच्छी तरह पक गया है। और अब हम इसमें 1 चुटकी हींग डालेंगे। हींग हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो आप हींग को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और हींग से साग में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज डालकर गैस का फ्लेम 1 मिनट के लिए हाई कर लेंगे। और हाई फ्लेम पे प्याज को हम चलाते हुए अच्छी तरह भून लेंगे, जिससे प्याज का कलर चेंज हो जाएगा और प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और प्याज का कलर हल्का गुलाबी हो जाएगा। और ये देखिए, प्याज को भूनते हुए 1 मिनट हो गया है। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और ये देखिए, प्याज का कलर भी चेंज हो गया है। और अब हम इसमें कुटी हुई अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। आप इसकी जगह बारीक कटा हुआ अदरक या लहसुन भी डाल सकते हैं। और अब हम अदरक लहसुन के पेस्ट को भी चलाते हुए 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ही भून लेंगे, जिससे अदरक लहसुन का भी कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और ये अच्छी तरह पक जाएंगे। और अब हम इसमें कटे हुए आलू के टुकड़े डालेंगे। इस टाइम पे गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और अब हम गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे। और 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे हम आलू को चलाते हुए प्याज के साथ अच्छी तरह भून लेंगे, जिससे आलू भी हमारे अच्छे से भुन जाएंगे और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। और ये देखिए, यहाँ मैंने इसे 1 मिनट के लिए भून लिया है। और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम आलू को सैलो फ्राई कर लेंगे, जिससे आलू गोल्डन कलर के हो जाएंगे। और अब हम इसमें स्वाद अनुसार 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, जिससे आलू हमारे जल्दी पकेंगे। और अब हम नमक को आलू में चलाते हुए अच्छी तरह मिला लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने आलू में नमक को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और आलू को हम इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे ही पकने देंगे, जिससे आलू के ऊपर अच्छा गोल्डन कलर आ जाएगा और आलू हमारे अंदर तक अच्छी तरह पकेंगे। और अब हम इसे ढक कर पकने देंगे, जिससे आलू हमारे और जल्दी पकेंगे। आलू को ढक कर पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं और अब हम इसे चेक कर लेंगे। और ये देखिए, आलू हमारे अच्छी तरह गोल्डन कलर के भी हो गए हैं और ये अंदर तक भी अच्छे से पक गए हैं। हमें इसे इतना ही पकाना है। इस रेसिपी को आप एक बार बनाएंगे तो पालक नहीं खाने वाले बच्चे हो या बड़े, सभी आपसे मांग मांग कर और उंगलियां चाट कर खाएंगे। और अब हम इसमें 1 बारीक कटा हुआ लाल टमाटर डालेंगे। टमाटर डालकर हम इसे भी मीडियम फ्लेम पे ही चलाते हुए अच्छी तरह आलू और प्याज के साथ मिला लेंगे, जिससे टमाटर भी हमारे अच्छी तरह भुन जाएंगे और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा।
और अब हम इसमें तीखा के लिए बारीक कटा हुआ 2 से 3 हरी मिर्च डालेंगे। आप इसकी जगह रेड चिल्ली फ्लेक्स या रेड चिल्ली पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे। हल्दी इस रेसिपी में ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि हल्दी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और अब हम इसमें 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। इन सभी मसालों को हम मीडियम फ्लेम पे ही चलाते हुए भून लेंगे, जिससे मसाले जलेंगे नहीं, जिससे मसालों को बहुत ही अच्छा फ्लेवर इस रेसिपी में आएगा। और अब हम इसमें 1 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। ये डालना बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप इसमें ज़रूर डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हम इसे भी चलाते हुए अच्छी तरह मिला लेंगे और आप देख सकते हैं मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं और ये कढ़ाई भी छोड़ रहे हैं। और अब हम इसमें बारीक कटा हुआ पालक डालेंगे। पालक को हम अभी आधा डालेंगे। आधा डाल गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे हम पालक को ऊपर से नीचे की तरफ करते हुए अच्छी तरह पालक को आलू के साथ मिक्स कर लेंगे। सर्दियों का सीजन स्टार्ट हो गया है और बाज़ार में बहुत अच्छे क्वालिटी के ऑर्गेनिक पालक आ रहे हैं, तो आप इस मौसम में पालक भरपूर मात्रा में खाएं। पालक में भरपूर मात्रा में आयरन, विटामिन और कैल्शियम होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। और आप देख सकते हैं पालक को हाई फ्लेम पे चलाते हुए 1 मिनट हो गया है और पालक हमारे आधे से भी कम हो गए हैं। और आप देख सकते हैं पालक पानी भी छोड़ रहा है। और अब हम इसमें बाकी बचे हुए पालक भी डालकर हम इसे चलाते हुए अच्छी तरह मिला लेंगे, जिससे पालक हमारे अच्छी तरह पकेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने आलू और पालक को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसे ढककर मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 से 6 मिनट हो गए हैं, हम इसे चेक कर लेंगे। और ये देखिए, आलू और पालक हमारे अच्छी तरह पक गए हैं। और अब हम इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला डालकर हम इसे भी मीडियम फ्लेम पे ही चलाते हुए अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, जिससे मसाले का फ्लेवर अच्छे से सब्जी में मिल जाएगा। और ये देखिए, यहाँ मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। ढक कर हम इसे 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट हो गए हैं, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और चलिए, सब्जी हमारा बनके तैयार हो गया है और अब हम इसे प्लेट में सर्व कर लेंगे। आप इस तरीके से एक बार आलू और पालक की इस रेसिपी को घर पे ज़रूर बनाएं। पालक पनीर खाना भूल जाएंगे, बच्चे हो या बड़े, सभी को ये बहुत पसंद है। सभी आपकी तारीफ़ करते हुए नहीं रुकेंगे और नहीं खाने वाले पालक भी आपसे मांग मांग कर उंगलियां चाट कर खाएंगे। और ये देखिए, हमारा रेसिपी या सब्जी बनके तैयार हो गया है। आप इसे रोटी, चावल, चपाती, पराठा, पूड़ी, नान किसी के भी साथ खाएं, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, हेल्दी और टेस्टी होता है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए, अब मैं मिलूँगी आपसे एक और नए रेसिपी में।